कराने वाले सरदार उद्धव सिंह जी, भारत के दबे कुचले शोषित वर्ग को जगाने वाले साहब काशीराम जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच को मेरा क्रांतिकारी जय। साथियों, आज 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज के दिन मैं उन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जिनकी औकात चार पाल पर बैठने की नहीं थी, आज वो बड़े बड़े पदों पर बैठ कर कह रहे हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बात 26 नवंबर 1949 की है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाकर तैयार किया, और जब बाबा साहब संविधान को लेकर संसद भवन में पेश करकर वापस आ रहे थे, तब वहाँ पर एक महापुरुष थे जिनका नाम था आचार्य कृपाली जी। आचार्य कृपाली जी ने पूछा, अरे अम्बेडकर, आज आप इतने खुश नजर क्यों आ रहे हो? तब बाबा साहब ने जवाब देते हुए कहा कि आचार्य जी, आज से पहले इस देश में राजा रानी की कोख से पैदा होते थे, मगर आज मैंने रानी की कोख में ऐसा ऑपरेशन किया है कि आज के बाद राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि ईडियम और बैंक पेपर से हो गए। वो राजा बनाने का काम किया बाबा साहब ने आपको। बाबा साहब ने आपके लिए अपने 4-4 संतानें कुर्बान कर दी, और आप कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या ही क्या है। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। ऐ मेरे दोस्त, मत भूल उस महान को।